शायद आप अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो ये काफी लोगों को अजीब लगेगा, कैसे अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल है आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लिनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि आपको म्यूजिक के बेसिक्स भी नहीं आते हैं। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफी स्लो होगा। तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ मुझे कुछ रिजल्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं। इसको ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं लगे रहते हैं तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा हर एक मैटर छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं, क्योंकि यह हैबिट्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए शायद आप ये चीज नोटिस नहीं कर पाते हो यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपए सेव करना भी काफी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज जानेंगे जिससे कि एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सको वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सको। आप जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। सोचिए एक एयरप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त अगर पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देते हैं तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा। लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रैवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वो प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जैगिंग करके आने के बाद भी वो आउट ऑफ शेप से ही रहेगा। सिमिलरली आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज्जा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं बन जाओगे। लेकिन ये छोटे एक्शन लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होके उससे काफी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक साल के लिए अगर आप हर रोज लार्ज साइज पिज्जा खाते रहे तो तब आप एक साल बाद जरूर ओवरवेट हो जाओगे। एक साल के लिए हर रोज अगर आप 20 मिनट जैगिंग करते हो तो आप जरूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे जरूरी है। आपकी हैबिट्स आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को न मिले। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है
आपकी गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आ रहा, तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वो चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप लगे रहो तो कुछ कमाल का हो सकता है। 1 करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता रहता है, तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर यह चीज वो कई सालों तक करते रहे, तो एक दिन वो करोड़पति भी भिखारी बन जाएंगे। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शंस लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो, फिर देखो क्या कमाल होता है। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है, जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रिस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को ऑन करके। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड का मिलना। इस मामले में वो आपके लिए रिवॉर्ड है। आपके आसपास में कहां पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफी पीते हो, तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर तब उस क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हमें ये समझ आ चुका है कि हैबिट्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, वहीं बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एक चेंज द एनवायरनमेंट। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वो अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डाइटली हैबिट्स में चेंजेस ला सकती है। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीनों के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट हेल्थियर चॉइसेस ले रहे थे, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज्यादा पानी इजीली एक्सेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। क्या आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड रख दो। कुकीज व चिप्स के बदले ज्यादा फ्रूट खाना चाहते हो, डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके उसे अपनी आंखों के सामने विजिबल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफी बढ़ जाएगा। तीन यूज हैबिट स्टैकिंग मेथड। शायद आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता, तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप हर रोज सुबह उठकर आप नहाते हो, तो हर रोज नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है, तो नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दो। ऐसे एक नेचुरल मोमेंटम की मदद से आप किसी भी हैबिट को आसानी से डेवलप कर सकते हो। 1954 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्स और पीटर मिलनर ने डिजायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सेक्रीशन बंद कर देते हैं, इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है।
यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है, जिसके बाद कुछ न खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे चूहे मर जाते हैं। हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं, तो इसी डोपामिन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगता है। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रैम नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह मालूम था एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, जिससे कि वो एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया, फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने फेवरेट सिंगर की आवाज सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो जब आप एक्सरसाइज करोगे सिर्फ तभी आप गाना सुनोगे। ऐसे कुछ ही दिनों के अंदर एक्सरसाइज आपके लिए फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में एक्सरसाइज के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगी। जिस काम को करने में जितनी कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमें जितना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, उस काम को उतना ही ज्यादा बार बार रिपीट करके हम बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे कि फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाने होते हैं, जहां पर रिवॉर्ड उससे कहीं ज्यादा मिलता है, इसलिए फेसबुक स्क्रॉल करने की हैबिट बहुत ही जल्दी बन जाती है। लेकिन हर रोज 10 पुशअप 10 पेज बुक रीडिंग करने में काफी एफर्ट लगाना होता है, उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफी कम मिलता है, इसलिए इन जैसे हैबिट्स को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी होगी ताकि एक्सरसाइज या बुक रीडिंग जैसी हैबिट्स को जितना हो सके एफर्टलेस बनाया जाए। इसके लिए 2 मिनट्स रूल्स आपकी काफी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोजाना 10 पेजेस पढ़ना चाहते हो, डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वो काम खत्म करने में 2 मिनट से ज्यादा न लगे। इससे डिफिकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफिकल्ट पहला स्टेप होता है। आज अगर आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह तक ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि एवोल्यूशन हम ह्यूमंस को ऐसे ही आगे लेकर आया है ताकि हम इमीडिएट रिजल्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स या हेल्दी रहने के लिए डाइट मेंटेन करना ये सारे काम कभी नहीं करते थे। उनके लिए इम्पोर्टेंट था हर मोमेंट अपने अगले मील की तलाश में लगे रहना, दूसरे डरावने क्रिएचर्स से बच के रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफी सारी बैड हैबिट्स बना लेते हैं। आज अगर आप एक सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल तक लगातार पीते रहने के बाद होगा। लेकिन इस मोमेंट में सिगरेट पीने से शायद आपको टेम्पररीली स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर करते हुए